क्या आप लोग सीसी सेंटर लेने के लिए उत्सुक हो और लेना चाहते हो, अभी तक ले नहीं पा रहे हो, तो सब मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूं। मेरा अर्निंग बहुत फर्स्ट वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल क्वीन भूल जाता हूं। आज की जिंदगी में मैं आपको बताऊंगी कि कितना अर्निंग होता है मेरे सीसी सेंटर में, क्या क्या है और क्या आप लोग सीसी सेंटर लेने के लिए उत्सुक हो और लेना चाहते हो, अभी तक ले नहीं पा रहे हो, तो सब मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि सीएससी में क्या सैलरी मिलता है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी क्या सीएससी में सैलरी मिलता है, ये तो गवर्नमेंट का फाइल है, अगर काम ये आईडी मिल जाएगा तो हमें सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे कोई भी सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे ही आप काम करते जाओगे, यहाँ पर कमीशन बेसिस पर काम होता है, जो भी सी एस सी जितना भी लेना चाहते हैं और या फिर ले चुके सबको पता होगा, और जिनको पता नहीं है मैं बता देती हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो भी सी एस सी आई डी लेना चाहते हो, जिसको भी ये सी एस सी आई डी मिल जाएगा बाद में, तो वो जितना भी यहाँ पर काम करेंगे वो सभी का कमीशन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, तो इस तरीके से सी एस सी में कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये कमीशन ही आपके वॉलेट में ऐड होता है, इसी तरीके से आपका वहाँ पे रोटेशन करना पड़ता है और आपको वॉलेट में आपका पेमेंट वगैरह कितना अब उसका कटिंग है वो रहता है, जो भी आप वहाँ पे काम करते हो उसका कितना कटिंग रहता है, वॉलेट में पैसा ऐड करने के बाद आप वहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आपका कमीशन होगा वो भी वॉलेट में ही ऐड होगा, तो इस तरीके से आप अपना सीसी में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया अभी मेरा अर्निंग कितना होता है वो आप सुनना चाहते हैं ना, तो वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपना ये ऑनलाइन कैफे ओपन किया था मैंने, तो उस टाइम मेरा कुछ भी नहीं था, जस्ट एक डेस्कटॉप, ठीक है, और एक कंप्यूटर था और एक प्रिंटर था, हम लोगों ने खरीदा था, ठीक है। तो इतना ही हम लोगों ने खरीदा था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम लोग सी एस सी ओपन करें और कितना बजट लगेगा, ठीक है। तो आप अराउंड 40-30 अराउंड तक आप इतना बजट है तो आप अपना सी एस सी मतलब सी एस सी क्या ऑनलाइन शॉप भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सी एस सी से ही काम नहीं होता है, ऑनलाइन जितना अभी है, अभी तो सब ऑनलाइन ही ज्यादा सर्विस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप अपना सी एस सी से काम कर सकते हो। काम कर जितना आप काम करोगे उसी हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। आप कम काम करोगे तो कम कमीशन मिलेगा, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा कमीशन मिलेगा, इस तरीके से कमीशन मिलता है सी एस सी में, ठीक है। और सी एस सी आई डी लेना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सी एस सी आई डी मुझे दे दीजिए। अरे मेरा थोड़ी ना है सी एस सी आई डी, मैं कैसे दूँ आप लोग, मैं थोड़ी ना ऑनर हूँ सी एस सी का, तो मैं आपको कैसे दो आईडी ना। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आप वर्क पास होना जरूरी है, ये सब दस्तावेज लगता है। और अभी पुलिस वेरिफिकेशन भी लगता है और एक क्या बोलूं मैं IIBF एग्जाम का सर्टिफिकेट भी अभी मैंडेटरी है, पहले ये सब नहीं था। जब हम लोगों को सीएससी फर्स्ट आए थे तो उस टाइम ये सब जरूरी नहीं था, IIBF सर्टिफिकेट नहीं था, बाद में ये करना पड़ता था, मगर अभी लेने के लिए ये सब पहले ही आपको रेडी करना पड़ेगा, तभी आप सीएससी आईडी ले सकते हो, उसके बाद आप कमीशन उठा सकते हो और आप अच्छा से अच्छा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सीएससी से अर्निंग कर सकते हो। जिन्होंने भी अभी तक आईडी नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन ईयरली 7 साल में खुलता है, तो अभी शायद इसका रजिस्ट्रेशन बंद है, ठीक है। जब खुलेगा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सी एस सी आई डी मिलेगा। तो यही है। और मेरा अर्निंग बहुत फर्स्ट में अर्निंग उतना ज्यादा नहीं हुआ था, फर्स्ट में मैं बता दूँ पहले तो स्टार्टिंग में जो जेरॉक्स वेरॉक्स होता था तो वही 200-300 स्टार्टिंग में हो रहा था पर डे, ठीक है। तो अभी मैं पर डे 2-3 हजार लगभग हो जाता है, काम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप कैसा काम करते हो उस तरीके से, आप अगर आपके पास यूसीएल है तो बहुत अच्छा आपका अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यूसीएल लेना तो अभी बहुत ही मुश्किल टफ हो चुका है, तो मेरे पास अभी यूसीएल तो नहीं है, फिर भी मैं आधार कार्ड का काम करती थी। अगर आपको वो राह गन है कि इस तरीके से मैं आपका आधार कार्ड का काम करती हूँ, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोगों की वो भी टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी जो
जिन लोगों ने पूछ रहे थे हमें सीएससी में आपका अर्निंग कितना होता है, ये सब बहुत लोग कमेंट कर रहे थे और सीएससी आईडी मुझे दे दीजिए, बहुत लोग बोल रहे थे। यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं, इस तरीके से कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर आपको अच्छी तरीके से समझा दूं, क्योंकि कितना आपको हम लोग कमेंट करके समझा नहीं सकते, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी अगर और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं फिर से वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है? तो नहीं कमेंट करेंगे तो वही वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।